हे गाइस, वेलकम टू वाईफाई क्लासेस। मेरा नाम है गौरव और गाइस, मैं आज आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ जिसका नाम है SARC, SARC। गाइस, ये टॉपिक इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ना कि यहाँ से हर बार एक ना एक क्वेश्चन बनता ही है। और अगर आपने ये वीडियो देख लिया तो आपका एक नंबर पक्का होगा, इस बात की गारंटी मैं लेता हूँ, क्योंकि ये इतना इम्पॉर्टेंट है कि यहाँ से क्वेश्चन बनना ही है ना। तो इसे याद करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले मैं बताता हूँ कि SARC का फुल फॉर्म क्या है। गाइस, SARC का फुल फॉर्म है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। क्या है? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन, ठीक। और ये एक इंटर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। और इसका इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था दोस्तों? ये हुआ था 8 दिसंबर 1985। क्या? 8 दिसंबर 1985 को ये ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश हुई थी। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये डेट याद रखना। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस कि इसमें कितनी कंट्रीज शामिल हैं, है ना, कितनी कंट्रीज इसमें शामिल हैं। तो ये गाइस मैं आपको ट्रिक्स की हेल्प से बताऊंगा, आपको एक ही बार में याद हो जाएगा, एक ही बार में गारंटी है। ओके, तो बस ध्यान से देखिएगा, सबकी स्क्रीन पर आंखें होने चाहिए। तो ट्रिक ध्यान से देखिए, ट्रिक है दोस्तों MBBS पीना। क्या है? MBBS पीना, ये MBBS वाला डॉक्टर वाला MBBS और पीना, ठीक है। ट्रिक है MBBS पीना। अब देखिए दोस्तों, सारा का सारा SARC की कंट्रीज का खेल ख़त्म। अब देखिए, एम से हो गया पहला वाला एम मालदीव्स, सेकंड जो बी है उससे हो गया बांग्लादेश, तीसरा बी है उससे हो गया गाइस भूटान, और एस से हो गया श्रीलंका। तो ये MBBS वाला पार्ट ख़त्म। आगे पीना, अब पीना से क्या हुआ? पी से हो गया भाई पाकिस्तान, आई से हो गया गाइस इंडिया, एन से हो गया गाइस नेपाल, है ना, नेपाल, और ए से हो गया लास्ट का, ए से हो गया अपना अफगानिस्तान। ओके, तो मैंने आपको बता दिया है ये। फिर से पहला MBBS से हो गया मालदीव्स, मालदीव, सेकंड बी से बांग्लादेश, थर्ड बी से भूटान, फोर्थ एस से श्रीलंका, और पी से पाकिस्तान, आई से इंडिया, एन से नेपाल, ए से अफगानिस्तान। गाइस, ट्रिक्स की हेल्प से ये अपने 8 कंट्रीज़ कवर हो जाती हैं। ओके, और यहाँ से एक क्वेश्चन बनता ही, इसलिए मैंने ये वीडियो बताना आपको बहुत ज़रूरी समझा है। गाइस, ध्यान से पढ़ लीजिएगा, बस छोटा सा पार्ट था लेकिन मज़ा आ जाएगा आपको। और हाँ, इसको 2 से 3 बार रिवाइज़ कर लीजिए, आपको पक्का याद हो जाएगा। एक बार फिर से ट्रिक बता देता हूँ कि भैया, ट्रिक है MBBS पीना, बस 2-3 बार बोल दीजिए MBBS पीना, MBBS पीना, आपको याद हो जाएगा। एक बार फिर से फटाक से बता देता हूँ, है ना, कि M का मतलब होता है मालदीव्स, B का मतलब होता है बांग्लादेश, B का मतलब होता है भूटान, S का श्रीलंका, ओके, और P का होता है पाकिस्तान, I का होता है इंडिया, N का होता है नेपाल, A का होता है अफगानिस्तान। गाइस, मेरी तरफ से मैंने अपना बेस्ट दे दिया है, अब आपकी बारी है कि आप इसे 2 से 3 बार देखें और पक्का याद कर लें। ओके गाइस, इसके अलावा आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं, मैंने काफ़ी वीडियोस अपलोड किए हैं सारे के सारे ट्रिक्स की हेल्प से। अगर आप टाइम देखें, 10 मिनट का टाइम दीजिए और जाइए, मैं गारंटी लेता हूँ आप बिल्कुल निराश नहीं होंगे। काफ़ी वीडियोस हैं, CM, PM, कैबिनेट मिनिस्टर्स, अलॉयस, PH वैल्यूज, बाउंड्री लाइन्स, रिवॉल्यूशंस, बुक्स एंड ऑथर्स, सारे के सारे ट्रिक्स की हेल्प से आप जाइए और पढ़िए, मज़ा आ जाएगा आपको, ठीक है। और सिलेक्शन ज़रूर होगा आपका, पढ़ते रहिए। और गाइस, थोड़ा सा अगर वीडियो पसंद आए, आपको लगता है कि मेरा वीडियो आपको वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है, वैल्यूबल है मेरा वीडियो, तो आप लाइक ज़रूर कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलता हूँ नेक्स्ट पार्ट के साथ।